डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज अ डेटाबेस इन एक्ट एज अ रिपोजिटरी फॉर ऑल डेटा एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टोरेज सिक्योरिटी इंटीग्रिटी कंकरेंसी रिकवरी एंड एक्सेस। कहते हैं हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये एक डेटा की मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी रिपोजिटरी को उसका जो रिस्पांस होता है स्टोरेज के अंदर उस चीज़ को मैनेज करता है और इसके साथ साथ इसकी जो कंकरेंसी है ठीक है इसकी जो रिकवरी है और एक्सेस है इस चीज़ को भी हैंडल करता है। अब हमारे पास रिपोजिटरी क्या होती है, एक जो डेटा होता है पूरे डेटा का जो हमारे पास बैकअप होता है उसको रिपोजिटरी कहा जाता है। यानी इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ डेटा तो हम उस बैकअप के थ्रू उस डेटा को दोबारा से हासिल कर सकते हैं। क्लास इधर हो रही है ठीक है। इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ डेटा हम उस बैकअप से उस डेटा को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। स्टोरेज और सिक्योरिटी हमारे पास क्या चीज़ है, स्टोरेज और सिक्योरिटी की मेंटेनेंस और उसकी जो मैनेजमेंट है ये भी हमारे पास DBMS के थ्रू होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कल भी एक एग्जांपल दी थी कि एक वीडियो आपकी ऑलरेडी ऐड है ठीक है। अब दोबारा आप उस वीडियो को जब ऐड करते हैं तो इसका एल्गोरिदम जो है वो देख लेता है कि आपकी ये डुप्लीकेशन हो रही है। तो जब डुप्लीकेशन होगी तो आपका जो स्पेस है आपकी जो स्टोरेज है वो वेस्ट होगी, तो वेस्ट ऑफ स्टोरेज को ये बचाता है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी को ये देखता है यानी कोई बंदा इसको हैक ना कर सके ठीक है, आपकी डेटाबेस को उसका कोई मिसयूज़ ना कर सके ठीक है, उसको मतलब हैक करके फॉर एग्जांपल लोग जैसे सेल करते हैं आगे ठीक है उस किसी सेंस में भी यूज़ ना कर सके। अब फॉर एग्जांपल डिफेंस की जो डेटाबेस होती है उसमें किसी भी मुल्क का एक बहुत ही ख़ास असासा होता है ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने मल्टीपल सिक्योरिटीज़ ऐड की होती हैं कि कोई भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो उनके जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके जो एथिकल हैकर्स होते हैं उससे उसको क्या करते हैं बचाते हैं, ताकि उनका वो डेटा हैक तो दूर की बात है कोई उसको देख भी ना सके क्योंकि वो एक मुल्क का सीक्रेट होता है। इसी तरह आपकी जो कंकरेंसी और रिकवरी है ठीक है, रिकवरी का वही सेम सिनेरियो है कि अगर आप इन केस ऑफ डेटा लॉस आप उसको दोबारा रिकवर कर लेते हैं। कंकरेंसी से मुराद ये है कि आपकी जो एक स्टेबल डेटाबेस होती है ठीक है वो आप इसको ये मैनेज करता है। DBMS हैज़ अ डेटा डिक्शनरी सम टाइम रेफर्ड टू अ सिस्टम कैटलाग विच स्टोर्स अ डेटा अबाउट एवरीथिंग इट होल्ड सच एज नेम स्ट्रक्चर लोकेशन एंड टाइप्स। अब हमारे पास जो DBMS होता है इसकी जो डेटा डिक्शनरी है उसमें कैटलाग्स होते हैं ठीक है, कैटलाग्स कहते हैं आपकी कैटेगरीज को। यानी फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक चीज़ की एग्जांपल देता हूँ कि एक आपके पास कोई स्टोर है ठीक है, कोई किराना स्टोर है तो उसके अंदर आपकी क्या होगी, पल्सेस होंगी, फ्लोर होगा ठीक है, चावल होंगे ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई बच्चों के खाने पीने की चीज़ें होंगी इस तरह की चीज़ें। अब उस बंदे ने क्या किया होता है, बेसिकली सेक्शंस बनाए होते हैं, खाने पीने की चीज़ें वो एक केस के अंदर होती हैं ठीक है। अब जो घर का जो राशन होता है उसने वो एक सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है जिससे ये उसे भी आसानी होती है, उसे पता होता है फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे है ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कर कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना एक चीज़ को ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में डिवाइड कर दें ताकि वो चीज़ दोबारा से अगर आपको ढूंढनी ना पड़े आपको आसानी से मिल जाए। अच्छा स्ट्रक्चर्स लोकेशंस एंड जो टाइप्स इसकी हैं इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं आगे हम पढ़ेंगे ठीक है। ये आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे भी काम करता है जिसमें एक आपका पेरेंट और उसके आगे सब चाइल्ड्स होते हैं ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दी थी, एक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है ठीक है, उस कैंपस के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ टीचर्स हैं ठीक है। अब ये क्या उसकी सब कैटेगरीज हैं ठीक है, लोकेशंस को भी सेव करता है और मुख्तलिफ टाइप का डेटा को भी सेव करता है। दिस डेटा इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज मेटा डेटा मीनिंग डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा,
यानी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डेटा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कोई नाम लिखा हुआ है किसी का, अब आपको नहीं पता है कि ये नाम किसका है जब तक मैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, ठीक है। आप इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटा। द लाइफ स्पैन ऑफ अ पीसेज ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू इट्स डिलीशन इज रिकॉर्डेड इन द डेटा डिक्शनरी। अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA शुड बिकम इन टाइम विद द डेटा डिक्शनरी ऑफ DBMS विच सर्व्स हिम और हर ओवर द लाइफ ऑफ डेटाबेस। कहते हैं कि जो आपके पास डेटाबेस होती है, इसका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको DBA कहा जाता है, उस दिन भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी जी, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी अथॉरिटीज़ होती हैं कि वो किस यूज़र को कितनी एक्सेस देता है, ठीक है। अब उसने एक यूज़र को एक्सेस दी हुई है, वो डेटा को रीड कर सकता है, वो डेटा को राइट कर सकता है, वो डेटा को अपडेट कर सकता है, वो डेटा को डिलीट कर सकता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है, वो यूज़र को सिर्फ इतनी फैसिलिटी दे कि ही शी कैन रीड ओनली द डेटा। देर आर नंबर ऑफ DBMS टूल्स अवेलेबल ऑफ विच ऑरेकल इज द मोस्ट वाइडली यूज अराउंड द ग्लोब। कहते हैं मुख्तलिफ हमारे पास डेटाबेस के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ टूल्स यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास मुख्तलिफ यूज़ किए जाते हैं डेटाबेस को बनाने के लिए। जैसे कि आपने MS Access को पढ़ा भी था, ठीक है, MS Access को देखा भी था, उस पर हमने थोड़ा सा काम भी किया था, उसका इंटरफेस आप लोगों ने देखा है। इसी तरह आपके पास Oracle होता है, ठीक है। अब MS Access के अंदर आप मेन्यूज और ऑप्शंस के थ्रू क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं एक टेबल के ज़रिए से। जबकि आपके पास जो Oracle की डेटाबेस होती है वो आप कोडिंग से, आप इंस्ट्रक्शन से बनाते हैं। उसके लिए आपको हर चीज़ के लिए कोड लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम एक कोड लिखते हैं, क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट। तो जब हम ये कोड लिखेंगे तो हमारे पास टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब हमने कोई उसमें फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है, तो हम उसमें लिखेंगे टेबल नेम, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, आप किससे पूछ कर गए हो बाहर, किससे पूछ के बाहर गए थे, किसी से नहीं पूछा है, रोल ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रोल क्या होता है, सिक्योरिटी डेटा, सिक्योरिटी इज ऑलवेज कंसर्न इन प्रोडक्शन डेटाबेस एंड ऑफन इन अ डेवलपमेंट और टेस्ट डेटाबेस, टू इट इज यूजली नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ वेदर और नॉट टू हैव एनी सिक्योरिटी बट वेदर हाउ मच टू हैव अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टिपिकली ऑफर सेवरल लेयर ऑफ सिक्योरिटीज इन एडिशनल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी फैसिलिटीज। मोस्ट ऑफन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होल्ड यूजर अकाउंट्स विद पासवर्ड रिक्वायरिंग द यूजर टू लॉग इन आर ऑथेंटिकेटेड इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटाबेस। कहता है डेटाबेस हमारे पास जो होती है इसके अंदर जो आपका DBMS है इसके सबसे जो मेन रोल है वो सिक्योरिटी का है। इसके अंदर कुछ लेयर्स बनाई जाती हैं जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपका एक यूज़र नेम होता है, एक पासवर्ड होता है, आपको एक लॉगिन प्रोवाइड किया जाता है। क्लास यहाँ हो रही है, ज़्यादा शौक है उसको लेके बाहर चले जाओ। आपको एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड दिया जाता है, ठीक है, एक लॉगिन दिया जाता है। अब वो लॉगिन जिस यूज़र के पास होगा, सिर्फ वही यूज़र आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर सकेगा, उसके पास सारी अथॉरिटीज़ होंगी, ठीक है। जिसके पास वो यूज़र नेम, वो पासवर्ड नहीं होगा, वो लॉगिन नहीं होगा, वो उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसकी एक आसान एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब फेसबुक
का अकाउंट सबका होगा, ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो जब आप फेसबुक ओपन करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। तो फेसबुक को एक्सेस करने के लिए भी, अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की एक लॉगिन की ज़रूरत होती है। सेम सिनेरियो आपकी डेटाबेस के साथ भी होता है। आप किसी डेटाबेस को जब एक्सेस करते हैं तो उसके लिए एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड जनरेट किया जाता है। वो यूज़र नेम और वो पासवर्ड वो आपका लॉगिन होता है, उससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर सकें। DBMS also offers other mechanisms such as group roles, privileges, profiles, which all offer a further refinement of society, the security level not only provide the environment but also for the establishment of business security policies. कहते हैं हमारे पास इसके और भी कुछ mechanism होते हैं such as groups वगैरह में, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि एक फेसबुक का पेज है, उसके मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। अब आप एक फेसबुक पेज पे एडमिन है, आपके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, आप किसी को एडिटर बना देते हो, उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो जस्ट पोस्ट कर सकता है, कि किसी पोस्ट को एडिट कर सकता है। उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो किसी दूसरे यूज़र को उसमें ऐड कर सके। इसी तरह डेटाबेस में भी आप एक टीम बना सकते हैं, उस टीम के अंदर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रोल्स आप दे देते हैं, ठीक है। जब आप मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रोल्स देते हैं, वो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो अपना काम उस तरह करते हैं। इस तरह एक टीम के अंदर डेटाबेस को मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओनली एन ऑथेंटिकेटेड यूज़र हु बिलोंग्स टू एन इनवाइटेड ग्रुप में एक्सेस द इनविटेशन डेटा, और ओनली एन ऑथेंटिकेटेड यूज़र हु हैज़ द रोल ऑफ ऑपरेटर में बैकअप द डेटाबेस। अब यही बात इसने एग्ज़ाम्पल में बताई है कि जिसको जो रोल दिया जाएगा, ओनली वही बंदा, वो यूज़र, वही बंदा वो सारी चीज़ एक्सेस कर सकता है। दूसरा आपका यूज़र वो चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता, उसके पास डिलीट करने की, अपडेट करने की अथॉरिटी नहीं होगी जब तक उसके पास यूज़र नेम पासवर्ड एक लॉगिन नहीं होगा। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा रेफर्स टू इट्स कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस। फॉर डेटा टू बी कंसिस्टेंट इट मस्ट बी मॉड्यूल्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द सेम वे इन ऑल इट्स अक्रेंस। कहते हैं जो आपकी आपके पास इंटीग्रिटी होती है, ये आपकी कंसिस्टेंसी कहते हैं। एक तसलसल के अंदर आप एक उसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, एक आर्डर के अंदर, ठीक है। आप उसको एक कैटेगरी बनाकर एक डेटाबेस जब बनाते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको जब किसी फाइल को अपडेट करना होता है, आपको पता होता है ये इस डेटाबेस की फ़लाँ फाइल इस जगह में, इस फोल्डर में मौजूद है, आप उसमें जाकर उसको अपडेट या चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर डेटा टू बी करेक्ट इट मस्ट बी राइट, एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल। वन वे अ DBMS मेंटेन इंटीग्रिटी इज बाय लुकिंग अ डेटा आइटम इज प्रोसेस ऑफ बीइंग चेंज। अ डेटाबेस यूजली लॉक्स एट द डेटाबेस पेज लेवल और एट द लो लेवल। इंसिडेंटली लुकिंग आल्सो परमिट्स कंकरेंसी। कहता है कि हमारे पास जो डेटाबेस बनती है, ठीक है, उसका एक मतलब होता है, वो एक पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, ठीक है, वो किसी एक मीनिंगफुल पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वेबसाइट के लिए डेटाबेस बनाई है तो उसको एक वेबसाइट के साथ लिंक किया जाता है, उस वेबसाइट पे आप लोग जितनी भी चीज़ें अपलोड करते हैं वो आपके उस डेटाबेस के अंदर सेव होती हैं, उनको आप बाद में चेंज, डिलीट या अपडेट कर सकते हैं। डेटाबेस मॉडल्स, अ मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन। एन एयरप्लेन मॉडल अलाउज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर टू डिज़ाइन बेटर एरोप्लेन्स। सिमिलरली मैथमेटिकल मॉडल्स अलाउ बिजनेसमैन एनालिटिक्स टू इम्प्रूव द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। कहते हैं कि डेटाबेस के जो मॉडल्स होते हैं, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो आपके मल्टीपल यूज़ के लिए यूज़ होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रियल वर्ल्ड की इसने एग्ज़ाम्पल दी है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो इवेंट्स होते हैं, जो आपके पास एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरोप्लेन जब बनाया जाता है, एक एरोप्लेन का एक अपना मॉडल होता है, ठीक है, एक गाड़ी का एक अपना मॉडल होता है, गाड़ी को डिज़ाइन करते वक्त उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, एक एरोप्लेन को डिज़ाइन करते वक्त उसका अपना स्ट्रक्चर होता है, एक गाड़ी के अंदर अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है, एक एरोप्लेन के अंदर अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसी तरह आपके पास
जो वेबसाइट के लिए डेटाबेस आप बनाते हैं उसके अंदर आप अलग मटेरियल को यूज़ करते हैं, अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग तरह की इमेजेस को आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आप उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह आपकी जो यूट्यूब की डेटाबेस होती है या कुछ सोशल मीडिया की डेटाबेस होती है उसके अंदर अलग तरह की फाइल्स होती हैं, वो एक आपकी अलग तरह की फाइल्स होती है। जो आपने 8 टाइप्स इसकी पढ़ी हैं, ठीक है, टेक्सचर डेटाबेस के अंदर आपके पास टेक्स्ट होता है, आपकी जो एनालिटिकल डेटाबेस है उसको आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो आपकी ट्रांजेक्शन की डेटाबेस है वो आपकी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखती है। अच्छा, इसमें जो मॉडल्स हैं 3 तरह के स्ट्रक्चर आपके पास यूज़ किए जाते हैं डेटाबेस के लिए। अच्छा, हायरार्किकल नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। अब हायरार्किकल डेटा मॉडल जो है आपके पास, इट्स जस्ट लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, जिस तरह ट्री के अंदर एक आपके पास एक स्टेम्प होती है, उसके आगे से फर्दर ब्रांचेस होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास हायरार्किकल की एक एग्जांपल मौजूद है इस चार्ट के अंदर, ठीक है, ये वाइट चार्ट पे लिखा हुआ है टोपोलॉजीज के अंदर, हायरार्किकल की एक मेन जो आपके पास पेरेंट है उसके आगे फर्दर सब चाइल्ड हैं या फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। हायरार्किकल डेटा मॉडल, हायरार्किकल इज़ अ फेमिलियर स्ट्रक्चर, हेयर रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री, ठीक है, यानी ट्री लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। अ लोअर लेवल रिकॉर्ड इज कॉल्ड चाइल्ड एंड हायर लेवल रिकॉर्ड इज कॉल्ड पेरेंट। जो आपकी मेन फील्ड होती है, जो आपका मेन जहाँ से स्टार्ट होती है डेटाबेस, वो आपका पेरेंट होता है, और उसकी जो सब कैटेगरीज होती हैं, जो उसके सब क्लासेस होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, चाइल्ड्स। द पेरेंट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन इज कॉल्ड रूट रिकॉर्ड। जो आपके पास पेरेंट होता है उसको रूट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अ पेरेंट में हैव मोर देन वन चाइल्ड, एक पेरेंट के मुख्तलिफ आगे से चाइल्ड होते हैं, ठीक है, यानी एक मेन कैटेगरी के आगे से मुख्तलिफ सब कैटेगरीज होती हैं, एक मेन क्लास होती है उसकी आगे से सब कैटेगरीज होती हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार रेसिंग गेम के अंदर जब आप लोग देखते हैं क्लास ए बी सी डी की मुख्तलिफ तरह की गाड़ियाँ होती हैं। अब क्लास ए के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेरान आती है, ठीक है, आपकी अल्टस आती है, ठीक है, ये जो बेसिक लेवल की गाड़ी हैं। अब जो इससे नेक्स्ट क्लास होती है उसमें थोड़ी सी और हाई लेवल की आती है, कोई टोटा क्रोला आ गई आपकी, ठीक है, उसमें आपकी होंडा सिटी आ गई। इसी तरह आपकी जो फर्दर नेक्स्ट लेवल की क्लास है, सी क्लास है, ठीक है, उसमें आपके पास और एक्सट्रीम लेवल की गाड़ियाँ होंगी, जिस तरह होंडा सिविक हो गई, ठीक है, सी आर वी होगी, बी आर वी होगी, होंडा एकॉर्ड हो गई, ठीक है आपके पास, और इसी तरह आपकी जो, जी सर, अच्छा, टू फाइंड अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड यू हैव टू स्टार्ट एट द रूट एंड ट्रेस डाउन टू द चाइल्ड। आपके पास जो पार्टिकुलर, साइन भी नहीं क्या हुआ, बस ये सी तो है ना, ये भी पता नहीं, रियल इसमें लिखा है नहीं, ये एज इट इज सर को बताना है, ये सर को बताना है। अच्छा, हायरार्किकल डेटाबेस की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसका एक प्रिंसिपल है, ठीक है, इसके अंदर स्टाफ भी है, टीचर्स भी हैं, अकाउंटेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमारे पास एज सच क्या है, उसको हम मेन हेड कह सकते हैं, ठीक है, वो मेन फील्ड है, उसको आप ऐसे मेन फील्ड ले लें। जबकि जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, जो अकाउंटेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो बाकी जो स्टाफ है हमारा, वो आगे क्या है, सब फील्ड है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जस्ट डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। किसी आप स्टोर में चले जाएं ना, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक मैनेजर होता है, ठीक है, किसी मार्ट के अंदर चले जाएं, उसके अंडर जो काम करते हैं एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है,
कोई आपका उसमें कैशियर होता है, कोई वहाँ पर सेल्समैन होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ। तो वो क्या है, जो आपका मैनेजर होता है उसके अंडर वो काम कर रहे हैं। तो जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो मेन फील्ड की सब क्लासेस हैं आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं, नेटवर्क डेटा मॉडल। द रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क डेटा मॉडल। द रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इन अ नेटवर्क डेटा मॉडल। हियर ईच पेरेंट नोड कैन हैव मोर देन वन चाइल्ड। अब यहां पर सिनेरियो चेंज है। वो जो आपके पास हायरार्किकल मॉडल था उसकी एग्जांपल ऐसे है, वन टू मैनी की तरफ, ठीक है, एक का रिलेशन मैनी के साथ है। जबकि नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर ईच पेरेंट नोड कैन हैव अ मोर देन वन चाइल्ड। हर एक पेरेंट नोड जो होगा उसके मुख्तलिफ आगे से चाइल्ड होंगे। फॉर एग्जांपल उसमें मुख्तलिफ मेन क्लासेस भी होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तीन से चार हेड हों, उनके आगे तीन से चार सब वर्कर्स हों, ठीक है, उस सेंस में ये आपकी डेटाबेस काम करती है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, अब मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है, कंप्यूटर के टीचर हैं, इस्लामियात के टीचर हैं, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट हैं। मैथ के टीचर का नाम है अनवर, कंप्यूटर के टीचर का नाम है खालिद, इस्लामियात के टीचर का नाम है हाफिज़। अब हमारे पास ये टीचर्स हैं, इनके आगे से सब चाइल्ड्स हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में से एक का नाम है गुल, एक का नाम है खान, एक जो कंप्यूटर साइंस के अंदर है उसके नाम एक अली है, एक साद है, और जो इस्लामियात में है किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम नसीर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपकी एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, यानी आपके पास मैनी मेन फील्ड्स भी हैं और मैनी आपके पास सब फील्ड्स भी हैं। इसी तरह आपकी जो रिलेशनल डेटा मॉडल है उसमें इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टू। ये आपकी पहले दो से ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। कैसे, इट कनेक्ट्स द डिफरेंट फाइल्स थ्रू द यूज़ ऑफ की फील्ड्स। हर एक फाइल को ये एक आईडी, एक की जनरेट करवा देता है उसकी आइडेंटिटी के लिए। नो एक्सप्लिट पॉइंटर्स आर यूज्ड। इसके अंदर कोई भी एक्सप्लिट पॉइंटर्स यूज़ नहीं किए जाते। डेटा एलिमेंट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स कॉल्ड रिलेशन मेड ऑफ रोज एंड कॉलम। अब हमारे पास जो डेटा है वो डिफरेंट टेबल्स के अंदर सेव किया जाता है। टेबल की आपको डेफिनेशन बताई थी, कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। अब एक टेबल को दूसरे के साथ लिंक करना आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताया था, ठीक है। अब एक टेबल है उसके अंदर एक डेटा है, दूसरा टेबल है उसके अंदर भी उससे रिलेटेड डेटा है, तो आप उसको क्या करते हैं आपस में लिंक कर देते हैं। दी रोज आर कॉल्ड टपल्स एंड दी कॉलम आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। रोज को टपल्स भी कहा जाता है और आपके जो कॉलम्स हैं उनको एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स भी कहा जाता है। इट्स एडवांटेज इज दैट द यूज़र नीड्स नॉट टू बी अवेयर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, थस इट कैन बी यूज्ड विद अ लिटिल ट्रेनिंग। रिकॉर्ड्स कैन बी इजीली इंसर्टेड, डिलीट एंड मॉडिफाई। द प्रॉब्लम इज सम सर्चेज में बी टाइम कंज्यूमिंग, द फाइल्स आर लिंक टुगेदर बाय मीन ऑफ की फील्ड्स। अब आपकी की फील्ड्स के साथ क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो कॉलम्स होते हैं या दो से ज़्यादा जो दो फील्ड्स होती हैं आपकी, दो आपकी जो रोज़ होती हैं वो क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं आपस में। अब बेसिकली चीज़ क्या है आपके पास इसके अंदर, ये बाकी दो से थोड़ी सी रिलायबल है ये डेटाबेस, मगर इसका ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें जब लिंक करते हैं दो या दो से ज़्यादा फील्ड्स को, दो से ज़्यादा कॉलम्स को, तो उसमें डेटा सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब आप डेटा सर्च करते हो थोड़ा सा टाइम लेता है आपको, डेटा को फाइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, मगर इसकी एक खासियत ये है कि इसमें आप आसानी से डेटा को सेव भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सामने आपके पास सैंपल कॉलम्स होते हैं उसके अंदर आप डेटा इंसर्ट करते हैं, उसमें अपडेट करते हैं और उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल। रिलेशनल टेबल हैज़ अ सेट ऑफ नेम एट्रीब्यूट और कॉलम्स एंड सेट ऑफ टपल्स और रोज। समटाइम्स अ रो इज़ रेफर्ड टू अ रिकॉर्ड एंड अ कॉलम रेफर्ड टू अ सेल।
The column having a domains or types of such as character, integer, data. अब आपके जो टेबल के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमने देखा था कि हम उसमें टेक्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, उसमें हम करेंसी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम डेट एंड टाइम भी ऐड करते हैं, तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप इसमें डिफरेंट तरह का डेटा ऐड कर सकते हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स,